अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। मैं हूँ आपके साथ अदीना चौधरी। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। टोबाटेक सिंह पुलिस हमारे ब्यूरो चौधरी मोहम्मद इकबाल बल की रिपोर्ट के मुताबिक अंधा कतल ट्रेस थाना सिटी टोबा मुकदमा नंबर 1224 मोरखा 4 अक्टूबर 2023 बजरूम 302 तेपे पुलिस को इतला मौसूल हुई के इलाका थाना सिटी टोबा मोहल्ला चौधरी पार्क में सोनिया खालिद नामी लड़की का कत्ल हो गया है। इस इतला पर SHO थाना सिटी टोबा मामूल आजमान पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। हालात व वाकयात से मालूम हुआ कि सोनिया खालिद बल्द खालिद परवेज कौमारा इंसखना मोहल्ला राजा पार्क टोबा को दो नामालूम मुसलमान नामालूम वजूहत की बिना पर फायर पार्क में कत्ल करके फरार हो गए हैं। मुसलमान जाते हुए मकीला सोनिया का पर्स जिसमें मकीला का शनाख्त कार्ड और टच मोबाइल फ़ोन था भी साथ ले गए। वक्त वक्त संगीनी को मद्देनजर रखते हुए DPO टोबा से इतरारी सैन ने फौरी तौर पर इंद्राज मुकदमा और मुलजिमान को ट्रेस करने का हुक्म दिया, जिस पर फौरी तौर पर मुकदमा नंबर 1424 मुकदमा नंबर 1224/2023 बजरूम 302 तेपे थाना सिटी टोबा में दर्ज रजिस्टर हुआ। ASP सदर सर्कल टोबा मोहम्मद फहीम की सरबराही में SHO थाना सिटी टोबा इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल मा इंचार्ज CDU अनस रशीद SI बबुल आसमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने दिन रात की मानतक मेहनत जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की मदद से कार्रवाई करते हुए सोनिया खालिद को कतल करने वाले दो मुलजिमान अब्दुल रजाक वल्द पीर जरी शाह कौम सैयद सकना मानसहरा और जुनैद वल्द हकीम सैयद कौम सैयद सकना मानसहरा को गिरफ्तार कर लिया। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि अब मुलजिम अब्दुल रजाक की मकतूला सोनिया के साथ व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती हुई। मकतूला ने मुलजिम अब्दुल रजाक के साथ शादी का वादा भी कर रखा था, लेकिन ऐन वक्त पर मकतूला के घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसका मुलजिम अब्दुल रजाक को रंज था। इसी रंजिश की बिना पर मुलजिम ने अपने साथ ही कैमरा सोनिया को पिस्टल की जोर से पैर मारकर कतल कर दिया। मुलजिमान से आ रहे कतल और मकतूला में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और मकतूला सोनिया का पर्स शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। ये तमाम तफसीलात DPO टोबा से इतरार हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गोश शेयर की। DPO टोबा से इतरार हुसैन ने पुलिस टीम के लिए नकद इनाम सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए समाई के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।